आठवीं जमात। आज हम इस क्लास में सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। कहानी का नाम है बीरबल की हाजिर जवाबी। तो ये क्लास आप पूरी अटेंड कीजिए, इसके बिल्कुल नहीं करना है आपको वीडियो, क्योंकि इसमें चैप्टर के साथ साथ मैं आपको इसके सवालों के जवाब इतने आसान आपको लिखवाऊंगी जो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और जिसे लिखने के बाद आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो पूरी अटेंड कीजिए क्लास को, और मैं हूँ आपकी संजीदा मैम। अब कहानी शुरू करते हम। एक दफ़ा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर दिया। बीरबल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मिजाह और तजस्सुस दोनों ही थे, इसलिए ऊँट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे। बीरबल, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे, यानी याद करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर, उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा, जहाँ पना, बीरबल अगरचे अकलमंद आदमी है मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाए तो शायद आपका ये नमक खार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स इसरार करता रहा तो अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं, साथ ही तुम्हारी अकलमंदी, फिरासत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान भी हो जाएगा। चुनांचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीबोगरीब सवाल किया, बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? वो शख्स अकबर का यह सवाल सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, हुजूर, ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि इन सब के दिलों में क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी के दिल का हाल मालूम करना तो नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? जी हाँ, क्यों नहीं, बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन ना हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। बीरबल की यह दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। तो देखा, बीरबल ने कितनी सूझबूझ से बादशाह अकबर के सवाल का जवाब दे दिया। तो गौर करने के बाद देखिए, ये कहानी से मुतालिक होता है। इस सबक में बीरबल की जहानत और हाजिर दिमागी का पता चलता है, यानी कि वो कितना इंटेलिजेंट था और कितना मतलब अपने दिमाग का यूज़ करता था। उन्होंने दरबार में बादशाह के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जिसे कोई भी शख्स झुठला नहीं सकता था, समझे? तो चलिए अब हम अपने सवालों पर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था, यानी किस बात का अकबर ने बीरबल से प्रॉमिस किया था। तो पहला सवाल का जवाब होगा बीरबल की हाजिर जवाबी, सबक का नाम है। पहला सवाल है, अकबर ने बीरबल से किस बात का वादा किया था? तो जवाब होगा, अकबर ने बीरबल से जागीर देने का वादा किया था। तो हमें एक ही वर्ड हमें यहाँ पे बढ़ाना था, जागीर, बाकी सब हमें सवाल में से ही ले लेना होता है, ठीक है। दूसरा सवाल है, अकबर ने ऊँट को देखकर बीरबल से क्या सवाल किया? तो जवाब है, अकबर ने ऊँट को देखकर बीरबल से सवाल किया, पूरा लिखना है हमें, ठीक है, बस जवाब में क्या हट जाता है। सवाल किया कि बीरबल, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, ये आपका जवाब है। अगर आप एक ही बार पढ़ेंगे ना, आपको याद हो जाएगा जवाब। सवाल नंबर 3 है, अकबर ने दरबारी से क्या पूछा? तो जवाब है, अकबर ने दरबारी से पूछा कि बताओ इस वक्त
जो लोग दरबार में बैठे उनके दिलों में क्या है? सवाल नंबर 4 है, दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का क्या जवाब दिया? आप सभी को पता है कि क्या जवाब दिया था। दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब दिया कि हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। तो यहाँ पे हमारे पूरे 4 सवाल के जवाब हो गए। इसके बाद है खाली जगह। तो पहला है किसी दरबारी ने आएगा, इसमें किसी दरबारी ने अकबर से कहा। ने पहला नंबर, की दूसरा, का तीसरा, में चार, से पाँच, के छः। ठीक है, तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं? नंबर 3, वो शख्स अकबर का सवाल सुनकर सटपटा गया। नंबर 4, यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? नंबर 5, यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। सवाल छठा है, किसी के दिल का हाल हाल मालूम करना नामुमकिन है। ठीक है, अब हमें देना है 6 का, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में हमें इस्तेमाल करना है। सेंटेंस बनाने, हमें जुमला बनाना है, वाक्य बनाना है। तो पहला है इंतज़ार। आप जो है कुछ भी बना सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए। ठीक है, और ये मतलब कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे आप जुमले बनाएं। इंतज़ार, माजिद ने अपने उस्ताद का इंतज़ार किया। बस जो लफ्ज़ दिया है वो आ जाना चाहिए हमारे जुमले के अंदर। वादा, वादा हमेशा सच्चा करो। इनाम, इनाम में उसको एक साइकिल मिली। फैसला, माजिद ने मन लगाकर पढ़ने का फैसला किया। इसरार, बहुत इसरार करने पर माजिद ने तोहफा कबूल किया। तो यहाँ पे हमारा ये सबक नंबर 9 ख़त्म होता है। और अगर पसंद आया ये क्लास तो आप इसको एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।